दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के दफ्तर में 14 जुलाई को तोड़फोड़ का मामला सामने आया था, जिसके बारे में आपको अपडेट दे दूं कि अब इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और डूसू में चुनाव से पहले जिस तरीके से घमासान है, उससे जुड़ा हुआ यह बड़ा अपडेट है। इसमें कमेटी भी गठित कर दी गई है। इस घटना की 4 सदस्यों की कमेटी इस घटना की जांच के लिए गठित की गई है। प्रॉक्टर रजनी आबी और ज्वाइंट प्रॉक्टर गीता सहारे भी इस कमेटी में शामिल है। विश्वविद्यालय ने जांच के लिए अब कमेटी बनाई है और अब ये कमेटी इस पूरे मामले की तफ्तीश करेगी। प्रॉक्टर रजनी आबी जिनके नेतृत्व में ये कमेटी जिसका गठन किया गया है, और हफ्ते भर का समय है जिसमें इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। पुलिस ने इस मामले में गार्ड का बयान भी अब दर्ज कर लिया है और अब इस मामले की जांच आगे बढ़ गई है। एक रिपोर्ट देखिए। कथित तोड़फोड़ के बाद की ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के दफ्तर की हैं। आरोप है कि 14 जुलाई की सुबह एनएसयूआई के समर्थकों ने पहले डूसू के उपाध्यक्ष अभी दहिया के कार्यालय में शराब पी, फिर अध्यक्ष और सचिव के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि अध्यक्ष के दफ्तर में रखी गई भगवान की मूर्ति भी तोड़ी गई। संगठन अब एनएसयूआई के उपाध्यक्ष को पद से हटाने और गिरफ्तारी करने की मांग कर रही है। दिल्ली पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और शिकायत में क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान और कहीं ना कहीं जो हमारा राम मंदिर तोड़ा गया है उसको लेकर भी हमने शिकायत की है कि उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दूसरे मेरा एक वॉच वगैरह भी वहाँ रखी थी, पैसे वहाँ रखे थे, तो उसमें से लूट का और डकैती का भी हमने मांगा है कि जल्द से जल्द इनके ऊपर ये एफआईआर कड़ी से कड़ी एफआईआर कर। ये तो आरोपों का एक पहलू है। अब एनएसयूआई के नेता और डूसू के उपाध्यक्ष अभी दहिया का दावा है कि एबीवीपी के लोगों ने पहले उनके दफ्तर को निशाना बनाया था। पूरी प्लानिंग के तहत उन्होंने जो ये षड्यंत्र रचा है, तुच्छ हरकत पर जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उतर आई है, रात 3 बजे के आसपास मेरे डूसू ऑफिस के कार्यालय पर 10-15 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गुंडों ने लाठी लेकर हमला किया है। उन्होंने मेरे ऑफिस का गेट तोड़ने की कोशिश की पर वह नाकाम रहे। फिर उन्होंने बाहर से मेरी खिड़कियां और एसी का कंप्रेसर है वो उसकी तोड़फोड़ मचाई। डूसू में अध्यक्ष की कुर्सी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पास है, जो बीजेपी से जुड़ा छात्र संगठन है, जबकि एनएसयूआई कांग्रेस का छात्र संगठन है और उपाध्यक्ष पद पर संगठन का कब्जा है। इन दोनों में किसके आरोपों में दम है वो तो पुलिस की जांच में पता चलेगा। फिलहाल इस कांड को लेकर सियासत गर्म है और दिल्ली का बवाल मुंबई पहुंच चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचा हुआ है। आप तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मुंबई का जो कांग्रेस दफ्तर है वहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे थे। उनका ये कहना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, छात्रों ने जो है तोड़फोड़ की है, उसका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मौजूद थी और ये नशे की प्रेसिडेंट को जेल होनी चाहिए। छात्र संघ का कार्यालय था वो तोड़ा है। जो राहुल गांधी संविधान की बात करता है वो एनएसयूआई ने संविधान को और छात्रों को आवाज को दबाने की हत्या की है। एनएसयूआई ने संविधान की हत्या की। दर्शकों को हम बता दें कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के चुनाव होने हैं। उससे पहले इन आरोपों ने कैंपस के सियासी माहौल को गर्मा दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।